आज हम जो ट्रिक सीखने जा रहे हैं उससे आपकी बहुत सारी बचत होगी पैसों की। बच्चों, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, सुबह सुबह जब हमें जल्दी रहती है खाना बनाने की, उस समय हमारा गैस चलता ही नहीं है। ऐसे में हम सोचते हैं गैस का बर्नर तो साफ कर लिया है, सिलेंडर भी भरा हुआ है, फिर आखिर कारण क्या है? सबसे पहले तो आपको क्या कीजिए, जो मेन जहाँ से गैस सप्लाई होती है, मतलब टंकी से या लाइन से, उसका मेन स्विच बंद कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, गैस को उल्टा कीजिए। गैस का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दो होल्स, ये पाइप दिखेंगे जिसके अंदर बारीक वाले होल्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक, बहुत पतला वाला पिन चाहिए, जैसे कि स्टोव की पिन आती थी पुराने जमाने में। आप ये देखिए, मैंने वही मंगाई है। अगर वो नहीं हो तो आपके पास इतनी पतली कोई और पिन हो, उससे आप इस होल्स की सफाई कर लीजिए। जैसे आप इन होल्स की सफाई करेंगे तो गैस की लौ बहुत बढ़िया साफ हो जाएगी। जैसे इसकी सफाई करेंगे तो आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसे आप जरूर फॉलो कीजिए। बच्चों, आप चलते हैं एक और ट्रिक देखने। अक्सर गैस के जो ऊपर से बर्नर होते हैं उसे साफ करने के लिए हम कई ट्रिक आजमाते हैं। जैसे कि मैंने भी ऐसा देखा कि बर्फ डालें, उसके बाद हार्पिक डालें, फिर उसके बाद इन बर्नर को डालकर साफ करें। पर यकीन मानिए, ये सब मैं कर तो रही हूँ पर मुझे कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। मुझे मेरा वाला ही रिजल्ट बहुत पसंद आता है। बहुत पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इनो के सैशे के साथ आपके बर्नर चमक से उठेंगे, बिल्कुल नए से हो जाएंगे। अगर आप वो भी खर्च नहीं करना चाहते हो 8-9 रुपए, तो एक फ्री का आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि हाल ही में मैंने आपको बताया था, एक थाली, पीतल की थाली हम कैसे चमकाएं, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। वो किससे साफ की थी, ईंट की मिट्टी से, बहुत बढ़िया चमक गई थी सोने जैसी। उसी मिट्टी को मैं लाई हूँ, नमक और नींबू डालकर इस गैस बर्नर को मैं साफ कर रही हूँ। बिना खर्चे में गैस के बर्नर साफ हो गए। 8 से 10 दिन में आप इन्हें साफ कीजिए, चमक से जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी खर्चे की। तो ये ट्रिक बहुत बढ़िया है, इसे अजमा कर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी। अब चलते हैं बच्चों एक और ट्रिक देखने। जैसे कि गणपति बप्पा जी आ रहे हैं हमारे घर में, अब उनके स्वागत के लिए हमें एटलीस्ट बर्तनों को तो साफ करना होगा। बर्तन जो काफी दिनों से हमने रखे हुए हैं, उन्हें यूज नहीं किया, वो काले पीले हो जाते हैं, तो चलिए उनके लिए एक पैक बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, छोटी छोटी चीजें। या तो आप वो ईंट वाला ही ले लीजिए, अगर आपके पास ईंट वाला पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक पैक बना लीजिए। अब आप कहोगे पैक तो अक्सर हम फेस पर लगाते हैं, पैक लोटे के लिए। जी हाँ, घर में रखी चीजें हैं उन्हें यूज कीजिए। आटा या बेसन ले लीजिए, उसमें थोड़ा दही मिला लीजिए, जो भी आपके पास दही रखा हुआ है। थोड़ा नींबू है तो नींबू का छिलका या नींबू का रस डाल दीजिए, थोड़ा नमक डाल दीजिए, और क्योंकि तांबे या पीतल के बर्तन है तो थोड़ा सा हल्दी भी डाल दीजिए। बस इसे थोड़ा रब कीजिए, देखिए चमक उठेंगे बर्तन। ये पैक मैंने सिर्फ लोटे पर लगाया ही है, मैं आपको कपड़े से साफ करके दिखाती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा आपको। बस इसी तरीके से इस पर पैक लगाइए, साफ कीजिए और पानी से धो लीजिए। और पूजा में मजा आता है जब नए से बर्तन लगते हैं, चाहे हम प्रसाद भोग लगाएं या लोटा भरें या जो भी हम करें, तो हमें ये बर्तन बिल्कुल साफ चमके हुए चाहिए होते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती है यूज एंड थ्रो। जैसे कि आज मैं नीचे गाड़ी में गई, वहां मैंने देखा मेरे बच्चों ने कांच के जार यूज किए हैं, मतलब कुछ खरीदा होगा, खाया होगा। बाद में मैंने जब नोटिस किया, इतने प्यारे से जार हम फेंकें? नहीं, मैं उन सबको जार को ऊपर ले आई, गर्म पानी से साफ किया, उसके बाद उसके टैग भी सारे हटाए और इतने बढ़िया से ये जार चमक गए हैं। कांच के जार घर में बहुत काम आते हैं, आप भी कभी फेंका मत कीजिए। उन्हें लेबल उनके हटाना, उनको साफ करना बहुत आसान है। और कांच के जार में जब भी हम अचार, मसाले एयर टाइट रखते हैं तो काम भी बहुत आते हैं। तो आप भी कभी भी इन्हें फेंका मत कीजिए, इन्हें यूज किया कीजिए। और हाँ, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली को ये ट्रिक्स के बारे में पता ही नहीं होता है।